बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर सीरीज़ फॉर कोर्स नंबर 301 फिजिकल ज्योग्राफी। वी विल कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम जियो सिस्टम्स बाय रॉबर्ट क्रिस्टोफर सन। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट क्लाउड्स एंड फॉग्स। सो लेट्स डिफाइन व्हाट अ क्लाउड इज। क्लाउड इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स हाई अप इन द स्काई, generally high up in the sky, but cloud can be formed at lower elevations, at lower altitudes, and sometimes even near the ground. And when the cloud is formed near the ground and it touches the ground, it is called as fog. So cloud yani badal, pani ke chote chote aabi bukharat jab jama ho jate hain condense hone ki wajah se, thande temperature ki wajah se, jab wo sare पार्टिकल्स या मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स जब वो इकट्ठे हो जाएं और जब वो दिखने लग जाएं तो फिर वो बादल की फॉर्मेशन बनाते हैं या क्लाउड की फॉर्मेशन बनाते हैं। सो हाउ द क्लाउड फॉर्म्स। सबसे पहले एक छोटा सा पार्टिकल हवा के अंदर वो सस्पेंडेड होते हैं हर जगह पर, एंड ऑन वन ऑफ दोज टाइनी माइक्रो पार्टिकल उसके गिर्द वाटर वेपर्स जमा होने लग जाते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होने लगता है मोर वाटर वेपर्स कम एंड अटैच दैट पार्टिकल, और इसी तरह से वो बड़ा होता रहता है और फिर क्लाउड की फॉर्मेशन बन जाती है। तो जिस छोटे पार्टिकल से वो क्लाउड बनना स्टार्ट होता है दैट स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एज क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। So we can relate this cloud formation from a cloud condensation nuclei and moisture droplet. हम इसको relate कर सकते हैं राई का पहाड़ बनना, यानी एक छोटी सी राई और फिर उसके राउंड चीज़ें जमा होते होते वो एक पहाड़ की फॉर्मेशन हो जाती है। ऑल्दो ये एक मुहावरा है लेकिन इससे हम relate कर सकते हैं कि हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। विद वन पार्टिकल इन द एटमोसफेयर द वाटर ड्रॉपलेट्स द वाटर वेपर्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एंड देन अ होल क्लाउड इज फॉर्म्ड। So here is the illustration which shows cloud condensation nuclei. ये छोटे जो droplets हैं यहाँ पर और इन जगहों पर, these are the cloud condensation nuclei, और इन nuclei के गिर्द जब formation, जब water vapors की accumulation होती है और ये जब visible size पर आ जाते हैं तो that is called as moisture droplet. So ये सारे moisture droplets हैं and then these moisture droplets combine to form a big cloud. So if we look carefully, we will find out that clouds are of different types, and those classification of clouds are done on different bases. Firstly, on the basis of height, के cloud की जो height होगी उसके according cloud की क्या classification है। तो height के according, बुलंदी के according cloud की तीन types हैं: low clouds, middle level clouds and high clouds. And secondly, क्लाउड्स की क्लासिफिकेशन उसकी शेप के अकॉर्डिंग भी होती है। तो शेप के अकॉर्डिंग भी तीन बेसिक कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इट्स फ्लैट क्लाउड्स जो कि लेयर्स की फॉर्म में होगी, तो दोज आर कॉल्ड एज स्ट्रेटी फॉर्म क्लाउड्स। फिर दूसरी टाइप है जब वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगा, कॉटन बॉल टाइप स्ट्रक्चर, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द क्यूमुली फॉर्म क्लाउड। और तीसरी टाइप है जब वो एक ब्रश स्ट्रोक की तरह बहुत हल्के से क्लाउड होते हैं, अक्सर बहुत ऊंचाई पे नज़र आते हैं, वो उस क्लाउड की तीसरी बेसिक शेप है जिसका नाम है सिरोफॉर्म। सो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से या शेप के हिसाब से तीन बेसिक कैटेगरीज हैं, और एल्टीट्यूड के हिसाब से तीन, द लो क्लाउड्स, द मिडल क्लाउड्स, हाई क्लाउड्स। नाउ एल्टीट्यूड के हिसाब से एक स्पेशल टाइप है जो कि एक्सटेंड करती है फ्रॉम लो हाइट अप टू द हाई एल्टीट्यूड इन द स्काई, और उस तरह के क्लाउड को हम कहते हैं वर्टिकली डेवलप्ड क्लाउड्स। सो दैट इज़ अ स्पेशल टाइप अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड। सो दीज आर द बेसिक कैटेगरीज के हाइट के अकॉर्डिंग और शेप के अकॉर्डिंग। बट इफ वी सी अ क्लाउड, एनी स्पेशल क्लाउड, इट विल हैव एनी एल्टीट्यूड, वो किसी ना किसी ऊँचाई पर होगा और उसका कोई ना कोई शेप होगा। सो अ क्लाउड नेम इज गिवन बाय द कॉम्बिनेशन of the shape and the combination of the altitude. For example, here we have some of the examples of low clouds. So here we see a stratus cloud is a low cloud jo ke line ki form mein hogi, and these are the symbols which are used for different types of clouds on a weather map. So ye sare symbols hain iske, aur stratus
जिसकी लेयर लाइक फॉर्मेशन होगी। देन स्ट्रेटो क्यूमुलस, नाउ ये एक ऐसा क्लाउड है जिसमें लेयर्स भी होंगे और क्यूमुलस टाइप स्ट्रक्चर होगा, यानी कि बॉल लाइक, कॉटन पफी बॉल लाइक स्ट्रक्चर। देन निम्बो स्ट्रेटस, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड है जिसमें बारिशें होती हैं, और इसकी डिस्क्रिप्शन है ग्रे डार्क लो विद ड्रिजलिंग रेन। एंड देन नाउ मिडिल क्लाउड्स, तो मिडिल के लिए अक्सर प्रिफिक्स यूज़ किया जाता है ऑल्टो। सो वी हैव ऑल्टो स्ट्रेटस यानी कि मिडिल हाइट पर, और उसका स्ट्रक्चर है स्ट्रेटस यानी लेयर्स की फॉर्म में, एंड दिस इज द सिंबल फॉर दैट। देन ऑल्टो क्यूमुलस मिडिल हाइट पर, मिडिल एल्टीट्यूड पर, और उसकी फॉर्मेशन है कॉटन बॉल लाइक यानी कि क्यूमुलस फॉर्मेशन। देन हाई क्लाउड में सबसे कॉमन है सिरस क्लाउड, जो खाली खाली वेस्पी शाम के टाइम पे हम अक्सर देखते हैं बहुत दूर आसमान पे, हल्के बादल बिल्कुल यूँ जैसे किसी ने खाली ड्राई होते हुए ब्रश से किसी पेंटर ने स्ट्रोक लगा दिया हो। सो दैट इज सिरस क्लाउड। फिर सिरस की फर्दर टाइप्स एट टाइम्स अगर हम गौर करें उन बादलों पे, तो वो सिरो स्ट्रेटस हमें मिलते हैं उसमें, सिरो क्यूमुलस, सिरो स्ट्रेटस यानी कि वो खाली खाली एम्प्टी विस्पी क्लाउड्स होंगे बट लेयर्स की फॉर्म में। बट देन सिरो क्यूमुलस, दीज विल बी एम्प्टी विस्पी विस्पी खाली खाली से थिन फॉर्मेशन के साथ, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा गोलाई गोलाई कॉटन बॉल लाइक होगा। सो दैट विल बी सिरो क्यूमुलस। एंड वर्टिकली डेवलप्ड क्लाउड के अंदर स्पेशल टाइप है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, ये वो क्लाउड है जिसकी वजह से गरज चमक के साथ बारिश होती है, यानी कि थंडर स्टॉम। द क्लाउड विच ब्रिंग्स थंडर स्टॉम इज कॉल्ड एज क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, और ये उसका सिंबल है। वी आर अप्रोचिंग मानसून सीजन हेयर इन कराची एंड इवन पाकिस्तान के बहुत से शहरों में इस वक्त मानसून की बारिशें स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर वेदर मैप बनाया जाएगा इस वक्त नॉर्दर्न एरियाज, स्पेशली नॉर्दर्न पंजाब, तो वहाँ पे आपको शहरों में ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड टाइप नज़र आएगा उन मैप्स में। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कराची इज़ गोइंग टू फेस हैवी रेनफॉल फ्रॉम नेक्स्ट वीक। टुडे इज़ 5th of July 2020, सो मे बी लेट्स सी, आगे बारिशें इसी टाइप की आएंगी तो कराची में भी ये वाला क्लाउड टाइप होगा। सो वी हैव सम पिक्चर्स ऑफ क्लाउड टाइप्स। सो हियर वी हैव दिस वन, दिस इज़ द ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड जो कि मिडिल हाइट पर होंगे, एंड यू सी द फॉर्मेशन इज़ लाइक कॉटन बॉल, सो इट इज़ क्यूमुलस। इन दिस पिक्चर ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट सॉरी, दिस इज़ ऑल्टो स्ट्रेटस, मिडिल हाइट पे है और लेयर की फॉर्मेशन में है। उसकी इलस्ट्रेशन यहाँ पे मौजूद है, दिस इज़ लेयर्ड क्लाउड इन मिडिल हाइट, सो दिस इज़ ऑल्टो स्ट्रेटस। सो हियर यू सी दिस इज़ सिरो क्यूमुलस हाई अल्टीट्यूड में। एंड देन वी हैव स्पेशल फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड अराउंड द सन ड्यूरिंग अ क्लाउडी वेदर, सो दैट स्पेशल राउंडेड सिरो स्ट्रेटस क्लाउड इज कॉल्ड एज अ हेलो। और ये क्लाउड बनते हैं सूरज के अराउंड, ऑफ कोर्स डे टाइम पे, और बेसिकली वो सिरो स्ट्रेटस होते हैं बट सन की रोशनी की वजह से, और इट अटेन्स अ सर्कुलर फॉर्मेशन, सो दैट इज़ हेलो। एंड देन वी हैव लेंटिकुलर क्लाउड, ये भी एक स्पेशल टाइप है जो कि लेयर्ड होती है, स्ट्रेटस हैं और थोड़े थिक होते हैं, सो दिस इज़ लेंटिकुलर। एंड वी हैव स्ट्रेटो क्यूमुलस, क्यूमुलस और स्ट्रेटस का कॉम्बिनेशन, एंड दिस इज निम्बो स्ट्रेटस। नाउ किसी भी क्लाउड के साथ अगर वर्ड निम्बो आएगा दैट मीन्स रेनफॉल, ऐसे ऐसा क्लाउड जो कि बारिश लेकर आए, दिस इज निम्बो स्ट्रेटस। एंड दिस इज ऑल्टो क्यूमुलस, सो हेयर निम्बो स्ट्रेटस यहाँ इसका स्केच था, और यहाँ पर इसकी एक्चुअल फिगर है कि जब हल्की बारिश हो तो बादल इस तरह की फॉर्मेशन में होते हैं। एंड देन दिस इज सिंपल स्ट्रेटस क्लाउड जो अक्सर सनसेट के टाइम पे, आपको असर के टाइम पे ये बादल नज़र आते हैं मगरिब से थोड़ा पहले। सो मोर एग्जाम्पल्स, दिस इज सिरस, दिस इज़ वेरी कॉमन, कॉमनली सीन इन द इवनिंग टाइम, एंड सिरो स्ट्रेटस, दिस इज़ द इलस्ट्रेशन एंड दिस इज़ द ओरिजिनल पिक्चर। एंड हियर वी हैव, या दिस इज़ क्यूमुलस, द फेयर वेदर क्लाउड। When this cumulus is developing vertically, it is getting bigger, and then when it gets it attains full height right from the low altitude, यहाँ से आप देखें ये low altitude से start हो रहा है और high altitude तक इसकी range जा रही है, और it looks like an anvil shaped cloud, and these are dark colored, black colored clouds, and they bring thunderstorm. So these are cumulonimbus clouds. Some real life pictures of cumulus clouds and cumulonimbus clouds. Excuse me.
A detailed illustration of cumulonimbus cloud is drawn over here, and you see it is anvil shaped at the top. Mochi ke paas jo joote lagane wala jo aala hota hai, that is anvil. I forgot its Urdu name. You see here, it looks like an anvil. Now fog, fog is a cloud layer which is on the ground. तो अगर किसी को ख्वाहिश हो के बादल कैसे होते हैं तो वो फॉग की कंडीशन को देख ले, दैट इज़ एक्चुअली लाइक क्लाउड. सो व्हेन व्हेन फॉग इज फॉर्म्ड देन दिस इज़ द कंडीशन व्हेन एयर टेम्परेचर इक्वल्स टू द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. हमें मालूम है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर उस वक्त आता है जब सेचुरेशन मैक्सिमम हो, यानी 100% ह्यूमिडिटी हो. सो फॉग के अंदर दूसरी कंडीशन यह है कि विजिबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं देख सकते. एंड एट टाइम्स जब फॉग बहुत ज़्यादा थिक हो तो इट इज़ पॉसिबल कि आपको 1 मीटर से ज़्यादा दूर कोई चीज़ नज़र ना आए. नाउ लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉग्स. फर्स्ट टाइप ऑफ फॉग इज़ एडवेक्शन फॉग. दिस इज़ द फॉग व्हेन व्हिच इज़ फॉर्म्ड व्हेन द एयर माइग्रेट्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल इफ अ मॉइस्ट एयर विच इज़ फुल ऑफ मॉइस्चर इट मूव्स फ्रॉम अ वार्मर रीजन टू अ रिलेटिवली कोल्डर रीजन देन इट विल कन्वर्ट इट विल बी कन्वर्टेड इन टू फॉग. एडवेक्शन फॉग्स आर कॉमन इन द डेजर्ट्स विच आर लोकेटेड नियर द कोस्ट, फॉर एग्जाम्पल इन ओमान. एंड इवन ड्यू टू फॉग पीपल कलेक्ट वाटर बाय फॉग हारवेस्टिंग. So here one of the picture shows how fog harvesting is done. Nets or mesh sheets are spread across the passage of the fog. And then the water condenses on these nets and accumulated in the trays below. This fog harvesting is common in Chile, Peru and some of the desert areas, and example is given for Oman as well. Yeah. So another type of advection fog is evaporation fog, and again here when the water evaporates to a region where the temperature is suitable for becoming dew point temperature, then it forms a fog. So that is evaporation fog. And then there is due to evaporation when the ships face problem in sailing, that condition they name that condition as sea smoke. Although it's a fog in the sea, but the sailors they call it as sea smoke. Then advection fog can be upslope fogs and the valley fog. जब हमने wind circulation की बात की थी local winds की, तो हमने कहा था कि there are mountain breezes and valley breezes. तो जब mountain breeze होती है when the wind move from mountain to the valley, तो उस time पे जो fog की formation होगी that will be the upslope fog. और अगर valley से यानी उसका रिवर्स हो तो वो कहलाएगा वैली फॉग. ऑल इन ऑल एडवेक्शन फॉग अकर्स व्हेन द विंड मूव्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. विंड की मूवमेंट की वजह से फॉग की फॉर्मेशन हो तो वो एडवेक्शन फॉग है. नाउ सेकंड मेजर कैटेगरी ऑफ फॉग इज़ अ रेडिएशन फॉग. सो रेडिएशन फॉग उस जगह पे फॉर्म होती है जहाँ पर रात के टाइम ज़मीन कूल डाउन हो जाती है, और उस वो ज़मीन इतनी ज़्यादा कूल डाउन होती है कि वो सराउंडिंग टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक ले आती है. एंड देर इज़ वन थिंग टू बी नोटेड कि रेडिएशन फॉग वहाँ पर होगी जहाँ पे फर्स्टली रात के टाइम पे मोस्ट कॉमनली, और उसके रेडिएशन फॉग जिस जगह पर होगी वहाँ पर हवा में नमी का होना ज़रूरी है, मॉइस्चर का होना ज़रूरी है. एंड देन द थर्ड थिंग द टेम्परेचर, द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. तो इसमें एज सच एयर की विंड की मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि ज़मीन की कूलिंग अपने ऊपर जो हवा मौजूद है उसको कंडेंस कर देती है और फिर फॉग की फॉर्मेशन हो जाती है. दीज आर द टू पिक्चर्स. दिस पिक्चर शोज रेडिएशन फॉग विच अकर्स इन द विंटर सीजन, और ये लेफ्ट साइड वाली पिक्चर इट शोज सी स्मोक यानी कि इवेपोरेशन फॉग. सो दैट इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 7. So we will get back with another video, and we'll be discussing chapter number 8 from Geosystems. Till then, thank you very much for watching. And yeah, there had been a lot of disturbances in my recording because there are a lot of kids at my home. So apologies for that. Thank you for bearing. Thank you so much.